नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। रोहतास से हमारे रिपोर्टर आशुतोष कुमारी की एक खास रिपोर्ट है कि रवि की फसल पककर पूरी तरीके से तैयार है, रोहतास में ही नहीं बिहार के खेतों में, लेकिन इस कोरोना वायरस के डर से मजदूर सामूहिक रूप में खेतों में काम करने से डर रहे हैं और यहाँ तक कि जब डबल मजदूरी भी उनको दी जा रही है तो भी वो काम करने को तैयार नहीं है। जहाँ बेमौसम बारिश से किसान परेशान हुए पिछले दिनों, वहीं अब खेतों की कटाई नहीं होने से किसान परेशान है। आंसू उनकी आंखों में निकल रहे हैं कि क्या ऐसा ही माहौल रहा तो उनकी फसलें खेतों में ही बर्बाद हो जाएंगी और फिर किसान की पूरी कमर टूट जाएगी। क्या है रोहतास से हमारे रिपोर्टर आशुतोष कुमार की रिपोर्ट, ये पूरा आपको दिखवाते हैं। लॉकडाउन है और खेत में फसल लगी हुई है, आप लोग कैसे काटेंगे? मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं। देखिए, पहले तो फसल पानी से बारिश से बर्बाद हो गया है, कुछ बच भी गया है तो लॉकडाउन के चलते मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं। खुद हम लोग का अपने से काम करना पड़ रहा है। अगर नहीं होगा तो ये फसल खेती में बर्बाद हो जाएगा। अगर नहीं कट के घर जाएगा ना तो नहीं होगा ना तो भूखे मरना पड़ेगा। क्या दिक्कत आ रही है आपको? मजदूर किस कारण से नहीं मिल रहे हैं? लॉकडाउन के चलते बाहर से नहीं आ रहे हैं, हार्वेस्टर नहीं आ रहा है, कोई घर से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। क्या नाम हुआ आपका? रवि कुमार। आपने देखा हमारे रिपोर्टर आशुतोष कुमार की रिपोर्ट रोहतास से थी। बड़ा ही हृदय विदारक, जिसे कह सकते हैं, जब किसान की फसल पकती है तो उसके घरों में खुशियां आती हैं, उसके बच्चों की शादियां होती हैं, बेटी ब्याही जाती है। लेकिन पहले तो बेमौसम की बरसात ने मारा और अब ये कोरोना रूपी भयावह राक्षस जो है उनके खेतों को, उनकी फसलों को बर्बाद कर रहा है। नेशन भारत चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यदि कोई सलाह हो तो हमें अवश्य लिखें। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।